अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी द गेमर यूट्यूब चैनल। तो आज कार मैकेनिक सिमुलेटर 2 की 2018 की एपिसोड नंबर 2 है, और ये गाड़ी खड़ी हुई देख सकते हैं, जंग से भरी हुई है। और तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हालांकि मेरा जो मतलब मैंने इसका इंजन बिल्ड कर ली, एक दफ़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया हूँ, एक्सपी जिसका इंजन है वो बिल्ड हो गया सारा, और देखा कितना कमाल का लग रहा है, चमचमाता इंजन, सिर्फ इंजन हुआ अभी, और कूलिंग जो मतलब सारा भी इसका है ना वो होने वाला है। तो अभी गाड़ी का मैं ऊपर चढ़ाता हूँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसका रस्ट किस तरह उतारना है हमने, क्योंकि मेरे पास सभी एक्सपीरियंस तो है। और यहाँ पे फ़ोन कॉल भी ले लेते हैं, कोई देखते हैं कोई अच्छी सी गाड़ी है जिसको ले लेते हैं उठा के। तो ये जी पोर्स नीचे 911, इसको लेते हैं, इसका ठीक करते हैं, इसको सिर्फ रीपेंट करना है, पेंट भी नहीं है हमारे पास, देखते हैं क्या होता है। तो जंग से ये भी भरी हुई गाड़ी, स्क्रैचेस, डिटेलिंग करने वाली गाड़ी की सारी। ये गाड़ी स्टार्ट में है आई थिंक, हाँ जी स्टार्ट होगी गाड़ी, लेकिन इंटीरियर भी बहुत ही गंदी हालत में है इसका, जंग लगा हुआ है हर जगह ही। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, क्या करें, टूल बॉक्स सिर्फ जाते हैं, एक दफ़ा देखते हैं ये टूल बॉक्स, ये पड़ा हुआ है साइड पर, टूल बॉक्स पड़ा हुआ है, पहले ऑयल निकाल लेते हैं इसका। आई थिंक सो मैं इंजन को इंजन क्रेट पर डालूंगा, लेकिन इंजन क्रेट पर डालने के लिए इंजन को निकालना ज़रूरी है, और निकालना है कि इक्विपमेंट्स मेरे पास नहीं है। तो अब देखें क्या होता है। और ये गाड़ी जो है फिलहाल, ये वीडियो मैंने पहले शूट किया, इसके बाद मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि गेम मुझे बड़ी पसंद है, मैं रोज़ खेलता हूँ। तो कार स्टेटस देखें कितना कमाल का लग रहा है जी, और इसकी जो फैक्ट्री है ना वो सारी यहाँ पर लिखी, पावर की मैं इसके बाद इसका डायनो भी करूँगा, डायनो मतलब गाड़ी की पावर चेक करेंगे कितनी है। उसके बाद ये देखें कितना चमक रहा सारा कुछ, और इसमें मैंने थोड़ा सा परफॉर्मेंस अपग्रेड भी की है। ऑयल तो दोबारा डाल लेते हैं, और इसके मतलब कि एयर फिल्टर वगैरह सारा कुछ नया डाला है मैंने, कोई एक चीज़ के अंदर जो है ना मैंने वो मतलब कि रिपेयर नहीं करनी, हर चीज़ नहीं डालनी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही करें क्या इसके साथ, गाड़ी चेक करें तो गाड़ी पार्किंग में जा सकती है, और अब इसको मूव करते हैं हम, इसको लग जाते हैं टूल बॉक्स में, आई थिंक कुछ हो सकता है, अगर हो सकेगा तो। तो मैंने जो है अभी जाना है इसके अंदर जाते हैं, और अगर हम देखें तो ये सारा मैप है, ये पार्किंग है, पार्किंग में खड़ी हैं दोनों गाड़ियाँ, एक ये जो पहले खरीदी थी 4x4, और ये भी बोली मेरे पास दो पार्किंग अवेलेबल हैं अभी इस गेम में। तो ये गाड़ी इधर आ गई दोबारा से, और अभी स्टार्ट नहीं होगी, नहीं हो गई है, हो गई स्टार्ट, स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अभी क्या करते हैं, अभी जो ये है ना इसका 911 का देखते हैं, क्योंकि साथ थोड़े बहुत हमने मतलब कि इनकम भी रखनी है, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो फिर मतलब कि हम कुछ ज़्यादा देर कर नहीं सकते। इसकी ग्लोबल बॉडी की हालत है 24 और 19 24 24, उसकी जो वो है ना मतलब कि पार्ट टूल बॉक्स में देखते हैं, अब ये देखें ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, जल्दी जल्दी करता हूँ अपग्रेड। तो ये आगे जी, ये यहाँ पे होता है पेंट, तो हम पहले इसको मूव कर लेते हैं, इसको मूव कर लेते हैं हम पेंट शॉप। तो अब ये पेंट शॉप में चली गई होगी, और ये आगे इसका पेंट, उसके बाद हम पहले कर लेते हैं इसका जो है ना इंटीरियर क्लीन कर लेते हैं, ये इंटीरियर डिटेलिंग किट है, इसको मूव करते हैं। और एंट्रेंस बी पे खड़ी गाड़ी, इसका जो मतलब कि सारा इंटीरियर वगैरह सारा साफ़ कर लेते हैं,
$100 लगेंगे और इसका इंटीरियर जो होगा जी साफ। पता चल रहा होगा आपको, देखें कितना चमक रहा है, शाइन आ गई बिल्कुल। और अब ऐसा करते हैं कि इसका जो है ना इंजन, इंजन ही निकालना है इसका, इसका वेल्डर यूज़ करके देखते हैं अगर तो वेल्डर यूज़ होता है। तो वेल्डर यूज़ नहीं हो रहा, ये बैटरी चार्जर है, ये टूल बॉक्स है, हालांकि वेल्डर हमने किया तो है लेकिन पता नहीं वेल्डर यूज़ नहीं हो रहा। देखूंगा मैं आगे क्या होता है इसके अंदर। तो अब गाड़ी को हम, मैं कैसा करता हूँ कि मूव करता हूँ गाड़ी को, स्प्रे करना तो मूव ही कर लेते हैं गाड़ी को पहले पेंट शॉप में। तो अब चलते हैं पेंट शॉप में, यहाँ दरवाज़ा बंद करते हैं, पीछे से जाना छोटे दरवाजे से, ये दरवाज़ा छोटा दरवाज़ा जो है इसका। लेकिन इतना मुझे पता है कि पेंट करके भी तो गाड़ी का जो रंग है वो हो जाएगा, लेकिन रंग नहीं उतरेगा। फैक्ट्री कलर ये था, उसको पेंट करते हैं। देखिए पेंट हो गया लेकिन गाड़ी बड़ी रुकी रुकी सी लग रही है अभी भी। इसको मूव करते हैं और ये गाड़ी का काम तो हो गया लेकिन फ्रेम और बॉडी कंडीशन बहुत ख़राब है, इंटीरियर भी ड्रिल कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं क्या करना है इसका, इसको करते हैं ए पे कर लेते हैं, दो दरवाज़ा खोलते हैं और गाड़ी की हालत तो बहुत ख़राब है, लिफ्ट पे चढ़ाते हैं, इंजन एक बार चेंज कर लेते हैं पहले इसका। इसका मैं इंजन खोल कर चेक कराऊँ ना, इसका इंजन पीछे तरफ देखें कितना कमाल का ये लगा हुआ है, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना ये इसे कहते हैं रेडिएटर, मतलब कवर इंजन का, ये इस गाड़ी को ठंडा करता है। और ये इसका जी इंजन इसका बिल्कुल नहीं है अभी, इतना जंग जुंग लगा नहीं हुआ इंजन को। तो पहले इसका निकाल लेते हैं ऑयल, ऑयल निकाल लेते हैं इसका। और निकालने के बाद तो हम इसका जो ऑयल है दोबारा फिल करके देते हैं, क्योंकि हमने गाड़ी रिपेयर की, तो रिपेयर करने के साथ हम एक सर्विस फ्री देते हैं, ऑयल की सर्विस फ्री देते हैं हम इस वर्कशॉप में। तो आप गाड़ी के जो नीचे कर लेते हैं, ऑयल डाल लेते हैं गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी जो ऑयल है प्रीमियम मोटर ऑयल है, काफ़ी अच्छा ऑयल है गाड़ी के लिए। आप लोगों को ये वीडियो तो अच्छी लग रही है मुझे, अगर तो कमेंट में बताएंगे तो मैं इस तरह की इंशाल्लाह और वीडियोस बनाऊंगा, और सिटी कार ड्राइविंग सिमुलेटर की वीडियोस भी बनाऊंगा और काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा। इंजन कवर को पहले मेरे ख्याल रिपेयर कर लेते हैं, रिपेयर बेंच भी आ गया तो हमें, मैं सारे पार्ट्स को रिपेयर कर सकता हूँ। इंजन का कवर जो है इसको रिपेयर कर दिया हमने और ये 100% रिपेयर हो गया। गाड़ी में जंग बहुत है, ये देखें चमक रहा है बिल्कुल। हुड को बंद कर देते हैं, ऐसे कहते थे उसे ट्रंक है लेकिन हुड है। तो गाड़ी लेकिन मुझे लग नहीं रही है अच्छी, फिर भी वेल्डर चेक करते हैं एक दफ़ा। ओहो हो हो, आगे समय मुझे किस तरह होना है यूज़, इसको लिफ्ट पे जाएंगे तो लिफ्ट पे जाके यूज़ होता है ये। अब देखिएगा ये आ गई समझ, ये सिर्फ लिफ्ट पे यूज़ होता है। तब अगर इस, ओ फिर वापस भेज दिया यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से अगर हम वेल्डर उठाएंगे तो वेल्डर चल पड़ेगा, और देखें जी वेल्डर ने काम कर दिया अपना पूरा, गाड़ी की बॉडी चमकने लग गई। अब गाड़ी के जो बॉडी पार्ट्स है ना वो सही चल, वो मतलब के सही लग रहे, तो मेरा ख्याल है कि बॉडी पार्ट्स भी हम उतार लेते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट फेंडर वगैरह सारा कुछ उतार लेते हैं, जल्दी जल्दी उतार लेता हूँ मैं।
को जैसे लगती गाड़ी उतरने के बाद सारा कुछ, और यहाँ पे जल्दी से रिपेयर कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे सारा कुछ लगा रहा हूँ मैं। लाइटें ठीक नहीं, गाड़ी की बम्पर वगैरह सारा कुछ ठीक हो गया है, तो वैसे भी इतना कुछ हमारे पास मतलब उसमें था नहीं, तो जिस तरह आई उस तरह ही भेज देंगे हम। तो सारा कुछ लगा दिया मैंने गाड़ी का यहाँ पे। होड रह गई सिर्फ, राइट साइड डोर भी रह गया, राइट मिरर भी रह गया, विंडो भी रह गई है। तो गाड़ी चेक करें, बिल्कुल सही हो गई है, 56 हो गई है, बाकी सारे 90, 100, 100 हो गई हैं, तो इतनी ठीक है। अब गाड़ी को हम करते हैं जी, मनी स्पेंड इतने की है, टास्क बोनस इतना मिला, जॉब इतना मिला, टोटल पे आउट हमें मिला $2,099 का। लाइसेंस प्लेट नहीं है गाड़ी की, लाइसेंस प्लेट नहीं है अगली पिछली। तो हमने पिछली लाइसेंस प्लेट लगानी गाड़ी की, और ये लाइसेंस प्लेट जो है ये लगा दी हम। ऑर्डर फिनिश कर दिया, चलो गाड़ी को डाइनो लेके जाते हैं। डाइनो यहाँ पे गाड़ी की चेक होगी पूरी, स्पीड वगैरह सारा कुछ, और वो है जगह जो है ना वो इधर है, तो मैं यहाँ पर अगर जाके स्पीड टेस्ट करूँगा ना, तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट करके गाड़ी की बस हम करेंगे वीडियो फिनिश। तो गाड़ी जो फैक्ट्री इंजन पावर है वो है जी 306 हॉर्स पावर है, 4555 RPM पे, और 538 टॉर्क है इसका। तो जो इंजन की मेजर पावर है ना वो तकरीबन 423 हॉर्स पावर है, और 733 इसका टॉर्क है। तो 38% इसने हॉर्स पावर गेन किया, और 36% इसने जो है ना वो गेन किया है टॉर्क। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।